हेलो मैम, मेरी 2 इयर्स बेबी गर्ल है, बहुत सांवली है, कलर थोड़ा सा ब्राइट एंड लाइटनिंग करने के लिए क्या करें प्लीज सजेस्ट करें। तो अभी अभी जो मैंने ये कमेंट रीड किया है, ये हमारे लॉरियल पेरिस रिवाइटलिट माइक्रो एसेंस के ऊपर जो वीडियो है उस पे ये कमेंट आया है, और मैं कुछ और भी कमेंट आपको पढ़ के सुनाती हूँ। नेचुरल ब्लैक स्किन भी व्हाइट करेगा क्या? ये हमेशा के लिए गोरा करेगा क्या? फुल बॉडी व्हाइटनिंग का कोई प्रोडक्ट बताइए प्लीज। तो इन सारे कमेंट्स में बाकी सब तो फिर भी ओके है, लेकिन जो फर्स्ट मैंने रीड किया वो कमेंट देख के हम बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। मतलब एक 2 साल की बच्ची, उसके मम्मी पापा परेशान है कि उसका स्किन कलर थोड़ा सा डार्क है, तो वो उसके व्हाइटनिंग एंड लाइटनिंग करने के लिए वो सजेशन मांग रहे हैं। तो हमारा चैनल का रीच फिर भी छोटा है, तो आप सोचिए इस तरह के कितने पेरेंट्स होंगे जो बाकी सब चैनल्स में जाके भी ऐसे सजेशन मांगते होंगे। तो ये एक सोसाइटी का प्रेशर है, हम डार्क स्किन टोन और लाइट स्किन टोन में जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं उसके लिए ये एक प्रेशर बन जाते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन उधर से ही आते हैं। अगर आप YouTube में जाके सर्च करोगे कि हाउ टू गेट फेयर स्किन या सांवली रंग से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और उन सारे यूट्यूबर्स के भी वीडियोस मिलेंगे जिनके लाखों मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। उस वीडियो में आप जाके देखोगे, या तो कोई फेयरनेस प्रोडक्ट वो लोग प्रमोट कर रहे होते हैं, और उसमें भी कमेंट्स आते हैं कि थैंक यू, हमें इस प्रोडक्ट की ज़रूरत थी। हम इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड है फेयर स्किन पाने के लिए कि हम इधर ढूंढते रहते हैं इंटरनेट में कि कहाँ हमें मिलेगा फेयरनेस प्रोडक्ट। तो मेरा ये कहने का ये मतलब है कि स्पॉन्सर्ड वीडियोस होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होके हमें प्रमोट करना चाहिए। आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो क्योंकि आपके मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियन फॉलोअर्स हैं, और अब भी वर्ल्ड में ये बहुत बड़ा एक मूवमेंट चल रहा है ये स्किन टोन डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। और हम हमेशा बोलते हैं कि सेलिब्रिटीज़ ऐसे एडवर्टाइजमेंट फेयरनेस प्रोडक्ट के करते हैं, लेकिन यूट्यूब से भी आप इन्फ्लुएंस होते हो। आप बहुत बड़े यूट्यूबर हो तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आता है। और फिर हमने सोचा कि ये शायद लड़कियों के ऊपर ही होगा, लड़कियों के ऊपर ही प्रेशर होगा, लेकिन फिर हमें बहुत सारे कमेंट्स आए लड़कों के, जो वो लोग भी बोल रहे थे क्या ये लड़कों के ऊपर भी काम करेगा, क्या लड़के भी गोरे हो सकते हैं इस प्रोडक्ट के यूज़ करने के बाद। तो सबसे पहले मैं ये क्लैरिफिकेशन दे देना चाहती हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, कि वो जो वीडियो है वो थोड़ा सा सरकास्टिक वे में मैंने बनाया था। क्या आप ब्राइटनेस पाना चाहते हो? क्या आप कोरियन ग्लास स्किन पाना चाहते हो? तो मार्केट में आ गया है एक ऐसा चमत्कारी पानी जिससे आपको मिल जाएगा एकदम सुपर ब्राइट स्किन। वैसे भी हमारे सारे वीडियोस नॉन स्पॉन्सर्ड है अभी तक, मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा एथिक्स तो रहना चाहिए, थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आप बहुत छोटा सा चैनल हो या बहुत बड़ा सा चैनल हो, आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि आपसे अगर 2 लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं तो भी वो अच्छी बात नहीं है कि आप फेयर स्किन को प्रमोट कर रहे हो। आप हमेशा देखोगे कि एडवर्टाइज में ऐसे दिखाया जाता है कि आप फेयरनेस क्रीम लगाते हो, उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है, आप सक्सेसफुल हो जाते हो, तो पेरेंट्स के ऊपर तो वो प्रेशर आएगी ही ना। और फिर एक चीज़ तो और है हमारे इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जितने भी सारे देश है, कि लड़की अगर थोड़ी सी सांवली हो जाती है तो उसके शादी में प्रॉब्लम आ जाती है। आप कुछ भी बोल लो, ज्ञान की बात बोल लो, लेकिन जब कोई भी माँ अपने बेटे के लिए बहू ढूंढती है तो बहू तो उसे गोरी ही चाहिए होती है। इन सब वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाती है सोसाइटी में, और जिनके स्किन टोन थोड़ा सा डार्क है वो, मतलब उनके कॉन्फिडेंस भी गिर जाते हैं। और अगर आप इन सब फेयरनेस प्रोडक्ट जो कुछ पीने से आप गोरे हो जाते हो, या फिर कुछ यूज़ करके आप गोरे हो जाते हो, ये सब आप प्रमोट करोगे, तो सोचिए जिनके स्किन टोन थोड़ा सा डार्क है उनका कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा। और आपने हमेशा ही देखा फेयर तो हमेशा लवली होता है, आपने कभी ब्लैक एंड लवली नहीं सुना होगा। और लड़कों को भी पहले पहले लड़कों के लिए सुनते थे कि डार्क एंड हैंडसम, अभी हो गया फेयर एंड हैंडसम। मतलब ये बहुत ही डीप रूटेड प्रॉब्लम है, सबको बात करनी चाहिए। ये वीडियो बनाने का हमारा यही मकसद था कि हम कोई फेयरनेस प्रोडक्ट
प्रमोट नहीं कर रहे हैं या नहीं करेंगे। मेरी स्किन टोन भी मीडियम स्किन टोन है, लेकिन मैं फेयरनेस प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उधर मैंने पढ़ा था कि कोई टेक्स्ट बुक में है कि फेयर स्किन मतलब ब्यूटीफुल और अगली मतलब ब्लैक स्किन। तो आप सोच सकते हो बच्चों के ऊपर भी कितना मेंटल प्रेशर होगा। 2 साल की बच्ची जिसका पेरेंट्स परेशान है, वो जब उसको जब समझ आ जाएगी तो वो अपने पढ़ाई में ध्यान देगी या अपनी दूसरे एक्टिविटीज़ में ध्यान देगी, या फिर इंटरनेट पर सर्च करेगी कि मैं अपनी सांवली रंग से कैसे छुटकारा पाऊँ। आप जरा सोच सकते हो ये कितना मतलब डीप रूटेड प्रॉब्लम है सोसाइटी की। तो इसको अभी ये हाई टाइम है, हमें लगता है ये हाई टाइम है, हम सबको बात करनी चाहिए। और देखिए, जो टैनिंग डी टैनिंग होती है वो अलग बात है। आपका स्किन अगर थोड़ा सा डल है तो आप थोड़ा सा ब्राइट कर सकते हो या थोड़ा सा ग्लो ला सकते हो, लेकिन आपका जो नेचुरल स्किन टोन है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। इसको एक्सेप्ट कीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग क्या बोलते हैं, घंटा फर्क पड़ता है कि आपका स्किन टोन कैसा है, आपका फेस कैसा है, आपके फेस पे कितने दाग है, या कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। मेकअप सबके लिए होता है, वो डार्क स्किन टोन हो, मीडियम स्किन टोन हो, या फेयर स्किन टोन हो। तो सब वीडियोस देखिए, सबके वीडियोस देखिए, मेकअप कीजिए, आपका कोई भी स्किन टोन हो, आप कॉन्फिडेंट रहिए। स्किन टोन से आपका आपके सक्सेस का कोई भी लेना देना नहीं है। और हम सबको इस बारे में बात करना चाहिए। अगर आपको मेरी पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ भी गलत लगा या सही लगा, प्लीज़ कमेंट करना। और अभी तो कोई एक लॉ भी आ गया है शायद इस साल कि आप फेयरनेस प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर सकते हो। तो फिर भी कैसे ये सब चल रहा है मुझे समझ में नहीं आता है। और बाकी सब यूट्यूबर्स के बारे में मैंने जो बोला है, हम भी उनको फॉलो करते हैं, उनके बहुत सारे वीडियोस देखते हैं जो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ये सब फेयरनेस प्रोडक्ट प्रमोट करते हुए देखते हैं तो बहुत बुरा लगता है। हमारा और कोई दूसरा मकसद नहीं था, ये एक क्लैरिफिकेशन वीडियो था कि जो वो वीडियो है उसमें मैंने कोई ब्राइटनिंग प्रोडक्ट या फेयरनेस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए नहीं बनाया था। और आपको क्या लगता है, इस बारे में बात होनी चाहिए या नहीं, अवेयरनेस फैलना चाहिए या नहीं? अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि मेरे बातों में कुछ है, ये अवेयरनेस फैलना चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कर देना। और हमें इंस्टाग्राम में हो या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हो, आपका ओपिनियन हमें ज़रूर बताना। और आगे भी हम अपना वीडियोस लाते रहेंगे, बट ये एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन वीडियो था। हम जैसे वीडियोस बनाते हैं वैसे ही बनाते आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड, बाय।